मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा लेक्चर है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का, वीडियो लेक्चर 6 है। और पिछले लेक्चर में हम एंटिटी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे थे, और जिसमें मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है और वीक एंटिटी क्या है। तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वैसे एंटिटी होते हैं जो दूसरे एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय नाम का एक एंटिटी लिया, या एम्प्लॉय नाम का मैंने एक टेबल लिया, और उसके अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी सैलरी और डिपार्टमेंट के नेम मैंने डाल दिए। अब इस एम्प्लॉय नाम के टेबल में, इस एम्प्लॉय नाम की एंटिटी में जब भी रिकॉर्ड मैं अपडेट करूंगा या डिलीट करूंगा, तो वो करूंगा एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। तो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे रिकॉर्ड मेरा अपडेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यानी कि एम्प्लॉय नाम के इस एंटिटी में, टेबल में मैंने कुछ भी अपडेट किया, कुछ भी डिलीट किया, तो मुझे दूसरे किसी एंटिटी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी में एक एम्प्लॉय आईडी या कोई ना कोई एक आईडी जरूर होती है। इन केस ऑफ वीक एंटिटी में क्या है कि उसमें जो है वो एंटिटी दूसरे एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। मान लीजिए अकाउंट नंबर का मैंने एक एंटिटी बनाया, और उसमें मैंने 20 कस्टमर्स के अकाउंट आईडी डाल दिए मैंने। तो 20 कस्टमर के अकाउंट आईडी डाल दिए मैंने, तो अलग अलग कस्टमर अलग अलग बैंक का है, तो अकाउंट आईडी से हमें पता कैसे चलेगा कि वो कस्टमर किस बैंक से रिलेटेड है। तो अकाउंट नंबर का जो ये एंटिटी है, ये डिपेंडेंट हो जाएगी बैंक के नेम वाले एंटिटी पे। यानी कि एक बैंक नाम का एंटिटी बनाएंगे जिसमें बहुत सारे बैंकों के नाम डालेंगे, और उसके बाद अकाउंट नाम के इस एंटिटी को बैंक के नाम की एंटिटी के साथ लिंक करेंगे, तो अकाउंट नंबर शो करेगा कि किस बैंक से वो रिलेटेड है। तो अकाउंट नंबर का ये एंटिटी बैंक के एंटिटी पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको वीक एंटिटी कहते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में एंटिटी रिलेशनशिप का ही नेक्स्ट पार्ट जो है हम करेंगे, और जो है जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप क्या है, और रिलेशनशिप जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक को डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं और दूसरे को कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप या कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कवर करूंगा कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो आइए देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप जो है, इट इज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटिटीज क्या है। तो टेबल के नेम को हम एंटिटीज बोलते हैं। तो टू या मोर देन टू एंटिटीज का जब हम आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसी को यहाँ पर रिलेशनशिप कहा गया है। अब मान लीजिए मेरे पास दो एंटिटी है, एक का नाम है एम्प्लॉई और दूसरे का नाम है डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉई काम करेंगे डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट एम्प्लॉई से जुड़ा हुआ होगा। तो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मैंने दिखाया डिपार्टमेंट के साथ। तो यहाँ पर दो एंटिटी है, और दो एंटिटी का आपस में रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो चूंकि इस रिलेशनशिप में दो एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बाइनरी जो है रिलेशनशिप बोलेंगे। और अगर मान लीजिए कि तीन एंटिटी है, और तीन एंटिटी का आपस में रिलेशनशिप है, तो उसको हम टर्नरी रिलेशनशिप बोलेंगे। और मान लीजिए तीन से ज़्यादा, चार पाँच छः एंटिटीज है, और उन सब का आपस में हम रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप में
मोर देन टू एंटिटीज है, सॉरी मोर देन थ्री एंटिटीज है, तो जहां पर मोर देन थ्री एंटिटीज होते हैं उसको एनेरी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा पूरा टॉपिक यही है। तो रिलेशनशिप जो है दो या दो से अधिक एंटिटीज के बीच के रिलेशन को दिखाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, दूसरे को बोलते हैं कनेक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स दैट पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप। तो जैसा कि मैंने बताया है कि कितनी एंटिटीज जो है एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रही है उसी को डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए इफ वी हैव टू एंटिटी टाइप कस्टमर एंड अकाउंट एंड दे आर लिंकिंग यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो मान लीजिए हमारे पास दो एंटिटी है, दो टेबल है, एक का नाम है कस्टमर, दूसरे का नाम है अकाउंट। तो एक रिलेशनशिप के अंदर दो एंटिटी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एंटिटी कस्टमर और दूसरा एंटिटी अकाउंट, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी को डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं। तो जब हम डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो दो एंटिटी को आपस में जो जोड़ते हैं तो प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जोड़ते हैं। तो इसको और समझने के लिए मेरे पिछले लेक्चर्स को देखिए, तो उसमें मैंने रिलेशनल मॉडल में मैंने बताया है कि मोर देन वन टेबल्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं, वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज टू बिकॉज हियर टू एंटिटीज आर टेकिंग पार्ट इन द रिलेशनशिप। तो यहां पर चूंकि दो एंटिटी जो है एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो दो एंटिटीज कौन से हैं, कस्टमर और अकाउंट, तो इसलिए इसको हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहेंगे, यानी कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पर टू है क्योंकि दो एंटिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स दैट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप वी हैव द फॉलोइंग डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, यूनेरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो है ये भी आगे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को यूनेरी रिलेशनशिप बोलते हैं, दूसरे को बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं, और तीसरे को टर्नरी रिलेशनशिप बोलते हैं। और तीन से ज्यादा एंटिटीज अगर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही होंगी तो उसको एनेरी रिलेशनशिप बोलते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में हम फर्स्ट रिलेशनशिप को देखते हैं जिसका नाम है यूनेरी रिलेशनशिप। और यूनेरी रिलेशनशिप जो है ये जो है सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, तो इसको मैं जनरली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूनेरी रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले यूनेरी रिलेशनशिप को रिकर्सिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, तो इसको समझने के लिए हम बाइनरी रिलेशनशिप का इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। तो बाइनरी रिलेशनशिप क्या है या फिर रिलेशनशिप क्या है, तो एक रिलेशनशिप के अंदर कम से कम दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे, है ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, दो पर्सन इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एंटिटी के केस में दो एंटिटी इन्वॉल्व होंगे एक रिलेशनशिप के अंदर, तो दो अलग अलग एंटिटी इन्वॉल्व होंगे एक रिलेशनशिप के अंदर तो उसको बोलेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। बट यूनेरी रिलेशनशिप के केस में क्या होगा कि दो अलग अलग एंटिटी जो होंगे वो सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूं बाइनरी रिलेशनशिप क्या है। तो मान लीजिए एक एंटिटी मैंने लिया एम्प्लॉय और दूसरी एंटिटी ली मैंने डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय का
रिलेशन है डिपार्टमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में काम करते हैं और डिपार्टमेंट का रिलेशन है एम्प्लॉय के साथ। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑब्वियसली एम्प्लॉय से ही जा करके जुड़ेगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय एक अलग एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक अलग एंटिटी है। तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन, एक रिलेशनशिप के अंदर दो अलग अलग एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसको हम बाइनरी रिलेशनशिप बोलेंगे। बट यूनेरी रिलेशनशिप के केस में जो है दो एंटिटी जो होंगे वो दोनों ही एंटिटी सेम टाइप की एंटिटी होंगी, तभी उसको हम यूनेरी रिलेशनशिप बोलेंगे। कैसे? मान लीजिए एक एंटिटी है एम्प्लॉई और दूसरा एंटिटी जो है वो भी एम्प्लॉई है। कैसे? एक कंपनी में काम करने वाले 100 एम्प्लॉइज हो सकते हैं और उन 100 एम्प्लॉइज से काम करवाने वाला एक मैनेजर होगा या एक इंजीनियर होगा। तो मैनेजर क्या है? वो भी तो एक एम्प्लॉई ही है। इंजीनियर क्या है? वो भी एक एम्प्लॉई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एंटिटी वो भी एम्प्लॉई है और दूसरा जो एंटिटी है वो भी एम्प्लॉई है। तो बोलेंगे एम्प्लॉइज मैनेजेस एम्प्लॉइज, एम्प्लॉई मैनेजेस एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉई क्या करता है? एम्प्लॉइज को मैनेज करता है। तो यूनेरी रिलेशनशिप में सेम टाइप की दो एंटिटी जब रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती है तो उसको यूनेरी रिलेशनशिप बोलते हैं। और बाइनरी रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप में जब दो अलग अलग एंटिटी इन्वॉल्व होती है तो उसको बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। और एक और आगे के स्लाइड में हम पढ़ेंगे टर्नरी रिलेशनशिप। तो टर्नरी रिलेशनशिप के केस में क्या होगा कि एंटिटी तीन होंगे और तीनों एंटिटी का आपस में लिंक होगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोर्स है, ठीक है, कोर्स नाम की एक एंटिटी है, दूसरा जो है टीचर नाम की एक एंटिटी है और तीसरा सब्जेक्ट नाम की एक एंटिटी है। तो कोर्स, सब्जेक्ट और टीचर, ये तीनों का रिलेशनशिप हम दिखा रहे हैं तो उसको टर्नरी रिलेशनशिप बोलते हैं। और तीन के बाद अगर मोर देन थ्री एंटिटीज एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको एनेरी रिलेशनशिप बोलते हैं। यानी कि 4 एंटिटीज, 5 एंटिटीज, 6 एंटिटीज, ये सारे एंटिटीज आपस में एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको एनेरी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो आइए यहां पर समझते हैं कि यूनेरी रिलेशनशिप क्या है। तो वन एंटिटी रिलेटेड टू द अनदर ऑफ द सेम टाइप एंटिटी, यानी कि एक ही एंटिटी जो है सेम टाइप की एंटिटी से जुड़ा हुआ है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप। इसको रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। इट इज ए रिलेशनशिप वेयर द सेम एंटिटी पार्टिसिपेट्स मोर देन वंस इन डिफरेंट रोल्स। तो यूनरी रिलेशनशिप में क्या होता है कि सेम टाइप की एंटिटी जो है दो काम करने के लिए या दो से अधिक काम करने के लिए सेम टाइप की एंटिटी से जुड़ी हुई होती है। तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला, एम्प्लॉई मैनेजेस वन टू वन मैने रिलेशनशिप में। तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल एन एम्प्लॉई विद द एम्प्लॉई आइडेंटिटी इज द मैनेजर फॉर वन और मोर एम्प्लॉइज विद दैट एंटिटी। तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉई मैनेजर है और वो मैनेज करता है एम्प्लॉइज को, यानी कि एम्प्लॉई ही एम्प्लॉइज को मैनेज करता है। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय मैनेजर हो सकता है और बहुत सारे एम्प्लॉइज जिससे वो काम करवा रहा है, ठीक है, वो एम्प्लॉइज हो सकते हैं, काम करने वाले लोग हो सकते हैं। तो एक मैनेजर बहुत सारे एम्प्लॉइज से जुड़ा हुआ है, मतलब एक एम्प्लॉय बहुत सारे एम्प्लॉइज से जुड़ा हुआ है,
तो यहाँ पर रिलेशनशिप भी आपका बनता है वन टू मैनी का रिलेशनशिप। तो इन दिस केस द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनेजेस रिलेशनशिप मीन्स, तो इस वाले केस में क्या है कि मैनेजेस जो शब्द आया है उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसमें जो रिलेशनशिप है उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय रिक्वायर्स अनदर एम्प्लॉय, एक ही एम्प्लॉय को ज़रूरत है दूसरे एम्प्लॉय की टू बी द मैनेजर, जैसे कि मैनेजर तो एम्प्लॉयज है और उस एम्प्लॉयज को ज़रूरत है दूसरे एम्प्लॉय की, वो एक मैनेजर भी हो सकता है। तो दैट इज़ द एम्प्लॉय हैज़ ए रिलेशनशिप विद इट्सेल्फ। तो इस एम्प्लॉय वाले डायग्राम में क्या केस है कि एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इसी एम्प्लॉय के साथ है जिसमें वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, तो इसको यूनरी रिलेशनशिप हम कहते हैं। अब इस वाले डायग्राम में देखते हैं, इन द सेकेंड एग्जाम्पल ए पर्सन इज ओनली मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, तो एक व्यक्ति एक टाइम में एक ही व्यक्ति से एक ही पर्सन से शादी कर रहा है। तो हियर तो हैंस देर इज ए रिकर्सिव रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी पर्सन विद इट्सेल्फ। तो यहाँ पर हम इसको रिकर्सिव रिलेशनशिप बोल सकते हैं या यूनरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही एंटिटी दूसरे सेम टाइप की एंटिटी से क्या कर रहा है, शादी कर रहा है। दिस इज वन टू वन रिकर्सिव रिलेशनशिप, तो इसको वन टू वन यूनरी रिलेशनशिप बोलते हैं, क्योंकि एक पर्सन से शादी कर रहा है, एज वन पर्सन इज मैरिड टू वन पर्सन। अब देखते हैं कि बाइनरी रिलेशनशिप क्या है। तो बाइनरी रिलेशनशिप और टर्नरी रिलेशनशिप के बारे में मैंने पिछले स्लाइड्स में बता दिया था, तो आइए इसमें देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो बाइनरी रिलेशनशिप में क्या होता है, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप द रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज बाइनरी रिलेशनशिप। तो एक रिलेशनशिप में जब दो अलग अलग एंटिटीज पार्टिसिपेट करेंगी तो उसको बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो यहाँ पर द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड सब्जेक्ट एंटिटी, तो यहाँ पर इस डायग्राम में रिलेशनशिप क्या है, एक तो टीचर नाम की एंटिटी है और दूसरा सब्जेक्ट नाम की एंटिटी है। तो ये टीचर क्या करता है, सब्जेक्ट पढ़ाता है और सब्जेक्ट ऑब्वियसली टीचर से ही जुड़ेगा जा करके। तो यहाँ पर टीचर और सब्जेक्ट का आपस में रिलेशनशिप बन रहा है और ये दोनों ही एंटिटी अलग अलग है, तो इसीलिए इसको बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो द रिलेशनशिप शोज दैट ए टीचर टीचेस वन सब्जेक्ट, तो इस रिलेशनशिप में हमें पता चलता है कि एक टीचर जो है एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। तो जब इसका हम डेटाबेस के फील्ड में जब इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो टीचर नाम का एक अलग टेबल बनाएंगे, सब्जेक्ट नाम का एक अलग टेबल बनाएंगे और टीचर नाम के टेबल में एक कॉमन एट्रीब्यूट का नेम लेंगे या कॉमन आईडी लेंगे और वही कॉमन आईडी सब्जेक्ट नाम के टेबल में भी होगा और उस कॉमन आईडी से टीचर के टेबल को और सब्जेक्ट के टेबल को प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जोड़ देंगे। तो अब देखते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। तो टर्नरी रिलेशनशिप में क्या होता है, जहां पर थ्री एंटिटीज पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में तीन एंटिटीज पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको टर्नरी रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी माइट नीड टू रिकॉर्ड विच टीचर टॉट विच सब्जेक्ट्स इन विच कोर्स। अब एक यूनिवर्सिटी है वो जानना वो रिकॉर्ड रखना चाहती है कि कौन सा टीचर जो है कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है और उस कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर कोर्स नाम की एक एंटिटी है, एक सब्जेक्ट नाम की एंटिटी है, एक टीचर नाम की एंटिटी है। तो टीचर क्या है,
कोर्स पढ़ाता है। तो कोर्स कौन से हो सकते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स हो सकता है या BCA का कोर्स हो सकता है। तो टीचर जो है मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा रहा है, तो मैनेजमेंट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा है या बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से टीचर, कोर्स और सब्जेक्ट, ये तीनों एंटिटीज जो है एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। अगेन जब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डेटाबेस में, तो कोर्स नाम का एक टेबल बनाएंगे, सब्जेक्ट नाम का एक दूसरा टेबल बनाएंगे, टीचर नाम का एक तीसरा टेबल बनाएंगे, कोर्स नाम के टेबल में कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालेंगे, सब्जेक्ट नाम के टेबल में सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालेंगे और टीचर नाम के टेबल में टीचर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालेंगे। और अगर हमें कोर्स को सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है, तो इन दोनों टेबल में एक कॉमन आईडी रखेंगे, और टीचर को फिर कोर्स या सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है, तो फिर इन दोनों टेबल को जोड़ने के लिए एक कॉमन आईडी रखेंगे। तो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया है कि रिलेशनल मॉडल क्या है, तो उस रिलेशनल मॉडल में मैंने बताया है कि मोर देन टू टेबल्स को, दो टेबल्स या मोर देन टू टेबल्स को आपस में कैसे लिंक करते हैं, प्राइमरी की फॉरेन की, वो सारा स्ट्रक्चर मैंने पीछे समझाया हुआ है। तो आप मेरे उन वीडियोस को भी जा करके देख सकते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का मेरा जो ये वीडियो लेक्चर 6 था, ये यहाँ पर फिनिश होता है। और जो है बाकी इसका जो है नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू।